है किन्नर। ज़बान संभाल के बात कर, जो ना खुद कभी औरत हो सकती है ना मर्द हो सकती है। मुझे क्या समझाने आई है? तुम मर्द हो ना, जिस घर में तुम्हारे रिश्ते थे, जिस परिवार ने तुम्हें पाला, तुम उसके ना हो पाए, जिससे शादी की, उसके साथ अपना पति धर्म नहीं निभा पाए। माँ बाप भाई बहन कोई रिश्ता निभा पाए हो? नहीं ना, भगवान ने तुम्हें बाप बनने का सुख दिया, उस रिश्ते को भी निभा पा रहे हो? एक मर्द होकर तुम एक भी रिश्ता सही सलामत नहीं रख पाए, और एक किन्नर होकर मैं सारे रिश्ते निभा रही हूं। तो खुद समझ जाओ किसकी जिंदगी काली है। रिश्ते तो मैंने सारे अपनाने चाहे, लेकिन हर रिश्ते ने मुझे ठुकरा दिया। और ये बच्चा जो मेरा होकर भी नहीं हो सकेगा। सारे बदले निकालूंगा मैं इससे, सारे के सारे, क्योंकि ये बच्चा मुझे इसकी मां की याद दिलाता है। अभी भी सोच में डूबे हो? वकील को फोन किया? अरे ये तुमने अच्छा याद दिलाया, अभी कर लेता हूं। आजा, आजा। क्या चाहते हो? ये लो, खिलौनों के साथ रख दो। गगन ले। आइए आइए। सत्याकाल सुखापा। सत्याकाल 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 जी सत्याकाल। आइए आइए। सुने ना, मेहमान आ गए, कुछ चाय पानी का प्रबंध करो। हाँ जी, बस अभी आई। एक मिनट दीजिएगा, आता हूँ मैं। बाबूजी, बस अब पुलिस को फोन करके खबर देनी होगी कि हरक सिंह के फैक्ट्री से खिलौनों के साथ बंदूकें भी सप्लाई होती है। शाम तक ताला लग जाएगा बाबूजी, जश्न मनाइए। बहुत अच्छे गहरी पुत्र, बहुत अच्छे। रखता हूँ मैं। हेलो, हाँ दरोगा साहब। तो जी, पकोड़े आ गए। ये तो हरक सिंह की बहू है। हाँ मल्ली पाजी, ये तो हरक की ही बहू है। तो यहाँ क्या कर रही है मल्ली पाजी? अरे अपना वरुण है ना, उसके बच्चे की मासी है। अब बच्चे के बिना अकेले रह नहीं पा रही थी तो यहीं चली आई ताकि उसके साथ रह सके। और वो क्या है ना, मेरी तो नई नई शादी हुई है और बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मेरी मदद कर देती है बच्चा संभालने में।
और मैंने तुझे इसको कितना मना किया काम ना कर, पर ये ना सुनती नहीं है। आते ही ना इसने सारे घर का काम संभाल लिया है। अरे जी, ये सब तो संस्कारों की बात होती है, और ये हरक जीजाजी के घर के संस्कार ही तो हैं। जिस घर में बहू और नौकरानी के बीच में कोई फर्क ना समझा जाए, मैं तो कहता हूँ वो घर घर नहीं मंदिर होता है जी, मंदिर। पियो जी, चाय पियो। मैंने पहले ही कहा था वो लोग उसे नौकरानी की तरह रखेंगे, दिन रात उसे जलील करेंगे, पर वो बुजदिल ये भूल गए कि सौम्या सिंह हरमन सिंह की बीवी भी है। और तू क्यों बार बार भूल जाता है कि वो एक माँ भी है? क्यों नहीं समझ रहा है कि सौम्या का वहां रहना जरूरी है? वहां रहकर वो उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर पाएगी, तब जाके तो सोहम मिलेगा हमें वापस। समझता क्यों नहीं है? फोन मेरा भी खोल दिया शेरा, लेकिन कभी कभी हालात का तकाजा होता है। इस वक्त जो सौम्या कर रही है ना, वो सबसे ठीक लग रहा है। इसके अलावा कोई साढ़े गोल ऑप्शन है नहीं। रब ने अरदास कर, और मेरा विश्वास है कहते कि सोहम हमारे पास बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा। रुको रुको, गाड़ी रोको। उतरो नीचे। इस गाड़ी में खिलौनों के अलावा हथियार भी है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास हम नहीं कर रहे, जो बोला वो करो। अरे ये हरक सिंह की फैक्ट्री का माल है। अरे पाजी चलो यार, ये तो सब इनके पैसे इतने के तरीके हैं। अच्छा, जाना चाहते हो? जाके दिखाओ फिर। आगे पुलिस है, पकड़ लेगी। और वैसे भी अगर इसमें कुछ नहीं है तो एक बार देखने में क्या हर्ज है? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल भी होगी और नौकरी भी जाएगी। चलो उतरो। कौन हो तुम सब? गाजर का हलवा तो बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ, इसीलिए ना इसे नौकरानी बना के रख लिया हमने। क्या हुआ गेरे पुत्र? बाबूजी, ये हरक सिंह के खिलौने वाली ट्रक लूटने की कोशिश कर रहे थे। मैंने रोका तो दौड़ाने लगे। हाँ तो दौड़ाएंगे ही ना, और मारेंगे भी। मैंने खुद तुम्हें खिलौनों के डब्बे में हथियार डलवाते देखा था। अरे क्या बकवास कर रहे हैं किन्नर? ए, भागो तुम लोग यहाँ से। समझ में नहीं आता हरक सिंह का इन किन्नरों के साथ क्या संबंध है? हमें यहां से चलना चाहिए। ये किन्नर गैरी को दौड़ाते दौड़ाते सही टाइम पे सही जगह ले आए। ए रुको। अरे सुखा मामा, तेरे बेटे को
किन्नर दुड़ाते दुड़ाते घर में घुस आए हैं। तो ऐसे कैसे जाने देंगे इन लोगों को? मोहल्ले वाले क्या सोच रहे होंगे, ये जो मेहमान आए हैं घर में वो लोग क्या सोच रहे होंगे? अरे इन किन्नरों को भी तो पता चले कि शरीफ लोगों के घर में घुसने का क्या अंजाम होता है। धक्के मार के निकाल देते इन लोगों को, क्या कहते हैं मामे? भाजी वरुण सही कह रहा है, इन्हें धक्के मार के निकाल देना चाहिए। अरे नहीं नहीं गैरी, मामे को क्यों तकलीफ दे रहा तू? मामे तू नहीं, हरक मामा जी के हर काम में इन लोगों की दखल अंदाजी देने की आदत है ना, तो एक काम करते हैं, क्यों ना उनकी बहू के हाथों से ही ये काम करवाया जाए। सोमे भाभी इन किन्नरों को अपने हाथों से धक्के मार के निकाल दीजिए। चलिए। हाँ सौम्य बेटी, वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है, इनको निकालो यहाँ से धक्के मार के। दीदी ये वरुण जानबूझकर सौम्या को फंसा रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे क्या हुआ सौम्या भाभी, क्या सोच रही हैं आप? निकाल दीजिए ना इन्हें धक्के मार के। हाँ प्लीज निकाल दीजिए, के मार के निकालिए ना इन किन्नरों को, सोच क्या रही हैं? चलिए चलिए। देखिए हमें धक्के मार के निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। एक मिनट, ऐसे कैसे जा रही हैं आप? हरक मामा जी के घर में आप सब लोगों को आपकी औकात नहीं याद दिलाई ना, इसलिए तो बार 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 मुंह उठा के उन लोगों के घर में घुस जाते हो, उन लोगों के सारे कामों में घुस जाते हो। लेकिन आज आप लोगों को आपकी औकात याद दिलाई जाएगी। ये बात तुम तो हमें समझा हुई मत, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर तुम्हें हरक सिंह या उसके परिवार की इतनी ही फिक्र होती तो इन लोगों के साथ इस तरह यहाँ मिलकर। अरे आप यही बकवास सुननी बाकी रह गई है क्या? पता नहीं दीदी जीजा जी ने इन लोगों को क्यों अपने सर पर चढ़ा रखा है। सौम्या तुम निकालो इनको बाहर, बाहर निकालो इनको, तभी इनकी अक्कल ठिकाने आएगी। जी जब वो अपने आप जा रहे हैं तो इस तरह से धक्के मार कर बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर वो लोग भी तो इंसान है। अच्छा मैं इंसान नहीं हूँ, ये एक गैरी इंसान नहीं है, मेरा बेटा इंसान नहीं है, ये मोहल्ले वाले कोई इंसान नहीं है। लेकिन अब बात इंसानियत की नहीं है, अब बात है इज्जत की। तो इन किन्नरों को यहां से धक्के मार के निकाल दीजिए। एक किन्नर अपने किन्नर रिश्तेदारों की बेइज्जती करने वाली है, क्या सीन है। वाह सोम्या निकालो इन सबको यहां से। सुनो सोम्या, हरमन और हरक सिंह को ये बता देना कि ये लोग उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनकी फैक्ट्री बंद करवाना चाहते हैं। मैं ये कह दूंगी। और अब इससे पहले कि और तमाशा बने, जैसा ये लोग कहते हैं तुम वैसा ही करो। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? सौम्या तुम्हें सोहम की कसम। चलिए निकलिए यहाँ से बाहर, कब से कह रहे हैं आपसे, क्यों तमाशा कर रहे हैं आप? निकलिए, चलिए चलिए चलिए, जाइए यहाँ से जाइए। सारा काम हो गया है ना जी, साढ़े सर पे क्यों खड़ी है, जा अपने घर जा। बस एक बार जाने से पहले मैं सोहम को अच्छे से देख लूं, मिल लूं प्लीज।
अरे यार, खीर का सारा मजा खिरखिरा कर दिया। एक बात बोलो, महीने की सैलरी तुम्हें एक ही टाइम पे मिलती है ना, या रोज दिन में थोड़ी थोड़ी मिल जाती है? मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हो? और एक तो उसे सोहम बुलाना बंद कर दो। स्वीटी, नौकरों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम जाओ यहाँ से। अच्छा सुन, सुबह ना टाइम पे आ जाना, ये सारे बर्तन भी तो धोने पड़ेंगे ना, गंद पड़ा रहेगा। चल जा। अरे सौम्या भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही आप कह रही थी ना कि मेरे पास कोई रिश्ते बचे ही नहीं है। अब देखिए ना, इतने सारे नए रिश्तों में बंधने के बाद भी पुराने रिश्ते खुद ब खुद मेरे पास चल कर आ रहे हैं। ए वरुण, मैं यहाँ कोई रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ, समझा? कान खोल के सुन ले तू, मेरा नाती तेरे पास है, वापस दे दे मुझे। अरे यार, मेरा बेटा नहीं हो गया, सरकारी छूट हो गई, सबको चाहिए। खैर, मुझे ना डॉक्टर ने कहा है कि अपने बेटे को बुरी चीजों से दूर रखो, तो चलिए। पापा, आपने मुझे जिंदगी भर अपने आप से दूर रखा, और आज देखिए ना, जिंदगी ने कैसे हम दोनों को एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोहम की चाहत में आपको भी सोहम चाहिए और मुझे भी, लेकिन आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, आप चाहेंगे कि सोहम मेरे बजाय वरुण के पास ही रहे, लेकिन मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मुझे खुशी होगी कि सोहम वरुण के बजाय आपके साथ रहे।